हेलो फ्रेंड, जीके एपेक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विशेष आहरण अधिकार क्या होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। विशेष आहरण अधिकार को अंग्रेजी में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं। कई एग्जाम में आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के स्थान पर SDR लिखा हुआ मिलेगा। पूरे विश्व में तरलता की कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में विशेष आहरण अधिकार को प्रारंभ किया गया। यहाँ तरलता का अर्थ होता है धन से। विशेष आहरण अधिकार कोई मुद्रा नहीं है और न ही IMF पर कोई इसका दावा किया जा सकता है। यह पूरे विश्व के लिए एक प्रकार की केवल अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि विशेष आहरण अधिकार कोई मुद्रा होता तो इसका इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति कर सकता था। इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कार्य या बिजनेस के लिए नहीं कर सकता है। जब कभी देश में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, ऐसे में उस समस्या को समाप्त करने के लिए विशेष आहरण अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। भुगतान संतुलन क्या है, इसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं। प्रारंभ में SDR को 0.88 ग्राम सोने के बराबर परिभाषित किया गया था, जिसकी कीमत उस समय $1 के बराबर था। परंतु ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद SDR को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस टोकरी में 5 देशों की मुद्राएं शामिल है। वह है अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी एन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 ऐसी मुद्राएं जो वर्तमान में SDR में शामिल है। प्रारंभ में एक SDR की वैल्यू 0.88 ग्राम गोल्ड की वैल्यू के बराबर था और इस गोल्ड की वैल्यू उस समय $1 था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि SDR की वैल्यू फिक्स रेट पर आधारित था। यह फिक्स रेट ब्रेटन वुड्स प्रणाली का विभाग था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर सिटी में हुआ था, परंतु यही फिक्स रेट 1973 में जाकर पूरी तरह समाप्त हो गया। अब SDR की जो वैल्यू है, इन 5 देशों की मुद्राओं के ऊपर निर्भर होने लगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन 5 देशों के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो वैल्यू होगा, वही वैल्यू SDR का होगा। वर्तमान में SDR की वैल्यू प्रतिदिन घटते बढ़ते रहता है। यहाँ पर इस संबंध को आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में एक SDR की वैल्यू 0.88 ग्राम गोल्ड की वैल्यू के बराबर था। इस गोल्ड की वैल्यू उस समय $1 के बराबर था। आइए समझते हैं यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि SDR का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि SDR की शुरुआत कब हुआ। यहाँ से तीसरा प्रश्न बन सकता है कि SDR की वैल्यू किन देशों की मुद्राओं पर निर्भर है। SDR को कागजी स्वर्ण अथवा पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। SDR को कागजी स्वर्ण अथवा पेपर गोल्ड इसलिए कहते हैं, कोई भी देश SDR के बदले गोल्ड प्राप्त कर सकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कैसे बनता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ शर्त है जिसके आधार पर कोई देश इसका सदस्य बन सकता है। आइए इसे समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन सकता है। इसके सदस्य बनने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाने पर प्रत्येक सदस्य देश को एक निश्चित राशि का योगदान देना होता है। इस राशि को कोटा सदस्यता कहा जाता है। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है, उस देश को इसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए योगदान के रूप में कुछ राशि देना होता है। उस राशि को कोटा सदस्यता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को न्यूनतम राशि इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यही राशि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फंड का मुख्य आधार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश को जो लोन देता है, वह लोन अपने सदस्य देशों के द्वारा जमा की गई पैसों में से ही देता है। इसलिए कोई भी देश को सदस्य बनने के लिए एक न्यूनतम राशि देना होता है। जैसे ही कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाता है, ऐसे में वह देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन ले सकता है। अब प्रश्न उठता है कि उस देश को मेंबर बनने के लिए कितना पैसा देना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है। उस फॉर्मूला के आधार पर उस देश का कोटा का निर्धारण होता है। साथ ही कोटा फिक्स करने के पहले उस देश की आर्थिक स्थिति को भी देखता है। जैसे ही उस देश की कोटा फिक्स कर दिया जाता है, कोटा सदस्यता के लिए उसे 2 पार्ट्स में पैसा देना होता है। पहला पार्ट 25% SDR के रूप में देना होता है। वर्तमान में SDR के रूप में 5 मुद्राएं हैं। यह है डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, येन, पाउंड स्टर्लिंग। चाहे तो वह देश इसके अलावा किसी विदेशी मुद्रा के रूप में 25% जमा कर सकता है। शेष 75% वो अपने देश की मुद्रा के रूप में चुका सकता है। जैसे मान लीजिए किसी देश को IMF की सदस्यता बनने के लिए 100 करोड़ देना है, ऐसे में 100 करोड़ का 25% 25 करोड़ SDR के रूप में देना होगा, जबकि 75 करोड़ उस देश को अपने देश की मुद्रा के रूप में चुकाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला अंतिम देश नौरू है। जिस समय वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, उस समय उसे कोटा सदस्यता के रूप में 2 रूप में पैसा जमा करना पड़ा। उसे 25% SDR के रूप में जमा करना पड़ा, जबकि 75% वह अपने देश की मुद्रा के रूप में चुकाया। नौरू देश की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, अतः उसने 75% ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रूप में चुकाया। किसी भी देश का कोटा का निर्धारण करने के पहले
उस देश की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है, अर्थात कोटा के निर्धारण उस देश के आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाता है। जिस देश की इकोनॉमी जैसा रहेगा उसके आधार पर ही कोटा का निर्धारण किया जाता है। यदि दो देशों की इकोनॉमी सेम रहेगा तो उसका कोटा भी सेम होगा। यदि कोई देश बहुत ही अमीर है तो उसका कोटा अधिक होगा। यदि कोई देश बहुत ही गरीब है तो उसका कोटा कम होगा। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन जाता है तो उसे स्वतः IBRD की भी सदस्यता मिल जाती है, परंतु ध्यान में रखिए उस देश के IMF की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में उस देश के IBRD की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कोई भी देश कैसे सदस्य बनता है। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है तो उस देश के लिए एक न्यूनतम कोटा का निर्धारण किया जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोटा का निर्धारण कैसे होता है। किसी भी देश की कोटा का निर्धारण करने से पहले उस देश की चार बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है उस देश की GDP कैसा है, दूसरा है उस देश में आर्थिक खुलापन कैसा है, तीसरा है उस देश में आर्थिक विविधता कैसा है, चौथा है उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति कितना है। इस कोटा का निर्धारण इस फॉर्मूले के आधार पर तय किया जाता है। आइए अब एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है ऐसे में उस देश के कोटा का निर्धारण करने के पहले उस देश की GDP को देखा जाता है। उस देश का जितना GDP होता है उसका 50% उस फॉर्मूला में लिया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक खुलापन का 30% लिया जाता है। आर्थिक खुलापन का अर्थ है कि उस देश में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना होता है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए दो देशों की इकोनॉमी एक प्रकार का है परंतु एक देश में दूसरे देश की अपेक्षा आर्थिक खुलापन कम है, ऐसे में उस देश की कोटा जो है दूसरे देश की अपेक्षा कम दिया जाएगा। जिस देश में जितना आर्थिक खुलापन अधिक है उस देश को उतना ही कोटा में फायदा होता है। नेक्स्ट है आर्थिक विविधता का 15%। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीच बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर कई बदलाव आते रहते हैं, ऐसे में कुछ देश उस बदलाव को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेता है परंतु कुछ ऐसे देश होते हैं जो उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, अतः इसका प्रभाव उस देश की कोटा पर भी पड़ता है। अगला है कि उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति कितना है। जितना उस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है उसका 5% उस फॉर्मूला में लिया जाता है। इन सभी के आधार पर ही किसी देश का कोटा का निर्धारण होता है। चलिए इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व को समझते हैं। किसी भी देश का कोटा का निर्धारण SDR में किया जाता है। नेक्स्ट है किसी देश की कोटा ही उसका वोट शेयर तय करती है। जिस देश का कोटा जितना अधिक होगा उतना ही उसका वोट अधिक होगा। नेक्स्ट है कोई सदस्य देश कोटे का 145% तक एक साल में लोन ले सकता है, हालांकि कुल लोन 435% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी देश की कोटा 100 करोड़ है, ऐसे में वह देश 145 करोड़ का लोन ले सकता है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 के अनुसार वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटा 477 बिलियन SDR है। ध्यान रखिए 477 बिलियन SDR सदस्य देशों के बीच 100% बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सबसे अधिक कोटा अमेरिका का है, दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर जर्मनी है, पांचवें स्थान पर फ्रांस है, जबकि आठवें स्थान पर इंडिया है। एग्जाम की व्यू से इन टॉप 5 का नाम जरूर ध्यान में रखिए, साथ ही इंडिया के भी रैंक ध्यान में रखना है। यहाँ टॉप 3 में एशिया की दो कंट्री है, एक है जापान दूसरा है चीन, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। चाइना का पहला लेटर सी है, सी अंग्रेजी अल्फाबेट का तीसरा लेटर है, तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि चीन का रैंक 3 है, जबकि टॉप 3 में एशिया की दो कंट्री है। यदि चीन का रैंक 3 है तो स्पष्ट है कि जापान का रैंक 2 है, जबकि पहले रैंक पर अमेरिका है, चौथे रैंक पर जर्मनी है, फ्रांस का रैंक 5 है, जबकि इंडिया का रैंक 8 है। यहाँ पर ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे छोटा कोटा धारक तुवालु है, जबकि सबसे बड़ा कोटा धारक अमेरिका है। अमेरिका का कोटा परसेंट 17% से ज्यादा है, जबकि इसकी वोटिंग राइट 16% से ज्यादा है। यहाँ पर दो रो को ध्यान में रखना है, पहले आप कोटा वाला रो को ध्यान में रखिए, उसके बाद वोटिंग राइट्स रो को ध्यान में रखिए। आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा जिस देश की कोटा ज्यादा है उस देश की वोटिंग राइट ज्यादा है। जैसे अमेरिका की कोटा 17% से ज्यादा है जबकि उसकी वोटिंग राइट 16% से ज्यादा है। जापान की कोटा 6% से ज्यादा है, इसकी वोटिंग राइट्स भी 6% से ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार अन्य देशों की जितनी परसेंट कोटा है उसी के आधार पर उसकी वोटिंग राइट्स दिया गया है। यदि भारत की बात किया जाए तो भारत की कोटा 2.76% है जबकि वोटिंग राइट 2.64% है। अब हम लोग समझेंगे किसी भी देश के लिए वोटिंग परसेंट कैसे तय किया जाता है। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनता है ऐसे में उस देश को 250 वोट मिल जाता है। यह 250 वोट सभी देशों के लिए समान होता है, चाहे वह देश अमीर हो या गरीब, सबके लिए 250 वोट समान होता है। इसके बाद किसी देश के लिए एक वोट उसके SDR पर निर्भर करता है। जब कोई देश IMF का सदस्य बनता है तो उसे कोटा सदस्यता के रूप में एक न्यूनतम राशि देना होता है, उस राशि के आधार पर उसे 250 वोट मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई देश उस न्यूनतम राशि से अधिक जमा करता है तो ऐसे में उसकी वोट प्रतिशत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी देश को 50 करोड़ कोटा सदस्यता के रूप में जमा करने के लिए बोला गया है, ऐसे में उस देश को उस राशि के बदले केवल 250 वोट मिलेंगे, परंतु जैसे ही 50 करोड़ से अधिक वह जमा करता है ऐसे में उस देश की वोटिंग राइट 250 से अधिक हो जाएगा।
1 लाख एसडीआर बराबर एक वोट होता है। मान लीजिए कोई देश 20 लाख एसडीआर एक्स्ट्रा जमा किया है, ऐसे में उस देश को 20 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि 1 लाख एसडीआर बराबर एक वोट होता है, इसलिए 20 लाख एसडीआर बराबर 20 वोट होगा। इस प्रकार उस देश के कुल वोट 250 प्लस 20 270 वोट होंगे। आइए इसे दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए कोई देश 5 लाख एसडीआर अधिक जमा किया है, ऐसे में उस देश को 5 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 1 लाख एसडीआर बराबर एक वोट, इसलिए 5 लाख एसडीआर बराबर 5 वोट, अतः उस देश के कुल वोट 250 प्लस 5 255 होंगे। इस रो को आप ध्यान से देखिए, यह एसडीआर की रो है जिसके आधार पर किसी देश का वोट परसेंट आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए यह एसडीआर मिलियन में है और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। आप इसके आधार पर किसी भी देश का वोट परसेंट निकाल सकते हैं। यहाँ इंडिया के एसडीआर को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी के आधार पर भारत का वोट परसेंट 2.64% है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस देश का कोटा जितना अधिक होगा उसका वोटिंग राइट भी अधिक होगा। जैसा आपने देखा है कि अमेरिका का कोटा अधिक है इसलिए वोटिंग राइट भी अधिक है, भारत का कोटा अमेरिका के अपेक्षा बहुत ही कम इसलिए वोटिंग राइट भी कम है। कुल मिलाकर किसी भी देश की वोटिंग राइट उसके कोटा पर निर्भर करता है। जैसे ही किसी देश की कोटा में वृद्धि होता है, वैसे ही उस देश की वोट प्रतिशत बढ़ जाती है। हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश की कोटे में बढ़ोतरी कैसे होती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा प्रत्येक 5 साल में एक बैठक होती है। इस बैठक में सदस्य देशों की कोटा का समीक्षा किया जाता है। इसी बैठक में यह डिसीजन लिया जाता है कि किस देश की कोटा बढ़ाया जाए अथवा किस देश की कोटा कम किया जाए। परंतु किसी देश की कोटा में वृद्धि के लिए 85% वोट की आवश्यकता होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 15वीं समीक्षा 2019 में हुआ था, जिसमें भारत के कोटा में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि भारत को 85% वोट नहीं मिल पाया। यदि भारत को अपनी कोटा में वृद्धि करना हो, ऐसे में हर हाल में अमेरिका का सपोर्ट भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के पास लगभग 17% वोटिंग राइट्स है। मान लीजिए किसी देश को पूरा देश सपोर्ट करता है, केवल उस देश को यदि अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है, ऐसे में उस देश के कोटा में इंक्रीज नहीं हो सकता है, क्योंकि उस देश को कोटा में इंक्रीज करने के लिए 85% वोट की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि यदि अमेरिका के वोट परसेंट हटा दिया जाए तो केवल लगभग 83% ही वोट परसेंट बचेंगे। ऐसे में किसी भी देश की कोटा में वृद्धि नहीं कर सकते। आइए समझने की कोशिश करते हैं कोटा में वृद्धि का क्या फायदा है। इसका सबसे पहला फायदा यह है कि किसी भी देश की कोटा में वृद्धि होने पर उस देश की मताधिकार प्रतिशत बढ़ जाता है। दूसरा इसका फायदा है कि उसका लोन लेने की जो दायरा है उसमें वृद्धि होता है। आपको समझ में आ गया होगा कोटा में बढ़ोतरी कैसे होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटा और प्रशासन में क्या सुधार किया गया। इन सभी सुधार का डिसीजन 2010 की मीटिंग में ही तय किया गया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों का 6% से अधिक कोटा उभरते और विकासशील देशों को स्थानांतरित कर दिया गया। यदि मीटिंग में किसी भी देश की कोटा में वृद्धि किया जाता है, ऐसे में किसी भी देश की कोटा में कमी करना होगा, क्योंकि कोटा ऑलरेडी 100% बांट दिया गया है। चलिए इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये कंट्री नेम है, ये सुधार के पहले की रैंक है, ये सुधार होने के बाद की रैंक है। यूएसए का रैंक सुधार के पहले भी एक था, सुधार के बाद भी उसका रैंक एक ही है। इसी प्रकार जापान के भी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए चीन का रैंक पहले 6 था, परंतु सुधार के बाद उसका रैंक 3 हो गया। इसके सामने देखिए ग्रीन कलर का सिंबल है, इसका अर्थ होता है कि इसके कोटा में वृद्धि किया गया है। जर्मनी का पहले रैंक 3 था, जबकि सुधार के बाद इसका रैंक 4 हो गया। आप इसके सामने देखिए रेड कलर का सिंबल है, इसका अर्थ होता है कि इसके कोटा में कमी किया गया है। इस प्रकार देखिए फ्रांस के सामने भी रेड सिंबल है, यूके के सामने भी रेड सिंबल है, अर्थात जिस देश के सामने रेड सिंबल है उस देश की कोटा में कमी किया गया है, जबकि जिस देश के सामने ग्रीन सिंबल है समझिए कि उस देश की कोटा में वृद्धि किया गया है। यदि इंडिया की बात किया जाए, सुधार के पहले रैंक उसका 11 था, जबकि वर्तमान में उसका रैंक 8 है। यहाँ देखिए इंडिया के सामने ग्रीन सिंबल है, इसका अर्थ होता है कि इंडिया की कोटा में वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल कोटा पहले 239 बिलियन एसडीआर था, परंतु सुधार के बाद कुल कोटा 477 बिलियन एसडीआर हो गया। यदि यूएस डॉलर में बात किया जाए, पहले इसकी कोटा 329 बिलियन यूएस डॉलर था, जबकि वर्तमान कोटा 661 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सबसे गरीब सदस्य देशों के मताधिकार और कोटा को संरक्षित किया गया है, अर्थात उसके कोटा में कोई बदलाव नहीं किया गया। नेक्स्ट है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में सभी कार्यकारी निदेशक निर्वाचित हुए। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। पहले इन 24 का इलेक्शन नहीं होता था, 24 में से केवल 19 का इलेक्शन होता था, जबकि 5 देश को स्वतः नियुक्ति मिल जाता था। ये 5 देश IMF के टॉप 5 कोटा धारक कंट्री थे, परंतु 2016 से इन सभी का इलेक्शन होने लगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आलोचनाएं भी होती रहती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोई भी डायरेक्टर आज तक यूरोपीय नहीं बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 100% कोटा में से 40% कोटा केवल G7 कंट्री के पास है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अच्छे इकोनॉमी वाले कंट्री के पास है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लोन देने की जो शर्त है बहुत ही कठोर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जब किसी देश को लोन देता है, ऐसे में उस देश को खर्च में कटौती करने के लिए बाधित करता है।
जिसकी आलोचना हमेशा होते रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी कमियां है जिसके कारण इसकी आलोचना होती रहती है। IMF से रिलेटेड सभी बिंदु को ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।